हाँ 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 जी, हमारे मुल्तान में जी पहली दफ़ा ही बारिश हो रही है इतनी तेज़। ये देख सकते हैं कितनी, और ना मेरा जो फर्श है ना, मैं धोने के इरादे से खड़ी थी, फर्श धुल गया मेरा। उधर आई है, ये देखें, देखे यहाँ पे जी। मेरी जो कपड़ है ना वो भी सारी इधर बारिश से गीली हो गई है और बारिश आगे तक आ रही है, और यहाँ पे ही मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा है बारिश से। मेरे पास इतना प्लास्टिक जो थी ना उसमें की जा रही थी, जी प्लास्टिक की नहीं मिलती, और मैं जो घबरा से नहीं हूँ कि प्लास्टिक इसको मैं भर दूँ, मेरी लकड़ी सारी खराब हो जा रही है बारिश में। बर्तनों की तो खैर है, बर्तन जो हुआ ना वो तो सारे सही हो जाएंगे, लेकिन कल तक इसको बारिश आ रही थी बोली
लाइट चली गई, आपको तो पता है हमारे इधर जैसे भी बारिश हो आंधी हो हल्का सा हवा भी चिड़ी पंखा चलाती है ना तो लाइट चली जाती है। हमारा पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान तो इधर जो है हमारा पानी बन गया। और आज खाना मैंने सिलेंडर पे बनाया क्योंकि लाइट भी नहीं थी, लकड़ियाँ भी गीली हो गई थी मुसलसल, एक दो दो घंटे तो लाजमन हो गई बारिश ऐसे ना था। तीन घंटे बारिश हुई हमारे मुसलसल, आप यकीन करेंगे। और लाइट भी नहीं है, लाइट का बिल्कुल पता नहीं है कि कब तक आएगी लाइट। और हम लोग फिर खाना खाते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा जो खाना बना है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बना है। बनाया क्या है, बनाया मैंने जी आलू वाले चावल बनाए, दो आलू मेरे पास पड़े हुए थे, लहसुन प्याज अदरक कूट काट के चावल बना लिए। और मैंने कहा मैं अंधेरे में कहाँ रोटी बनाऊँ और कहाँ अलहदा से सालन बनाऊँ, तो इधर हमारे कपड़े भी जो हम लोग नहाए थे वो गीले लगे हुए क्योंकि कपड़े ठंड भी लग रही थी बाद में हमें, और तबीयत मेरे का ख़राब ना हो जाए क्योंकि काफ़ी बारिश में हम लोग नहाए, बारिश बारिश कर रहे थे कि बारिश आए और हम लोग नहाए। और हमारी मुझे भी आज मज़े से नहाएंगे और बैठी हुई अंधेरे में इनको मैं देख रही थी कि अब मैं इनको पिंजरे में डालूं और हम लोग चार पाई बिछाएं खाना खाएं। ऐसे ना ऐसे ना बुगलो नाच हो गए जे, नाच हो गए जे, है मजा आते ना मुगली को आज आज मुझे मच्छा चला। अब मिठल से पहले मैं बातें करती थी तो मुझे वही हालत है, अब मैं अपने मुरली से बातें करती हूँ तो वो भी मेरी बातें सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, सारी बात है खाएंगे क्योंकि बर्तन बचाएं अपने लिए और अपने काम के लिए, क्योंकि चावल तो हम लोग वैसे ही एक फसले में खाते हैं। बिहार को थोड़ा सा लहदा देती हूँ तो वो भी हम लोग कटे बैठ ही सकते, तो चावल देखते हैं जी हमारे बनते हैं। डाल दो खाना आप, क्या पकाया गया है? पकाया गया है आलू रखे हुए थे मेरे पास दो और साथ में चावल मंगवाए, मसाला घर में बना आलू और चावल। ठीक है, अब मैं क्या बनाती हूँ और क्या अलग रोटी बनाती हूँ और क्या अलग खाना बनाती हूँ। माशाल्लाह ये हमारा बारिश हो जाए आंधी आ जाए तुम्हें मौका मिल जाता है भाई, मौका चट्टी भुतकाने का, भुतकाने का नहीं चट्टी नहीं, जो चीज थी अब घर में अभी जी बीस मिला जी। खाना वाना हमने खा लिया था और लाइट जो है ना हमारी अभी तक भी नहीं आई और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है, मोस हो गए तो बच्चे गए मैंने मास्क पहनने, तो मैं ऐसे बैठ गई थी मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड भी कर ले क्योंकि रात ये है कि काफ़ी ठंडी हो गई है बारिश की वजह से, लेकिन पसीना आ रहा है। चलो अल्लाह मारी के बगैर पंखे के सो लेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ी सी बेचैनी सी तो होगी, पंखा चलते ना तो इस मौसम में पंखे की बात थोड़ी सी ठंडी लगती है नमी की वजह से। तो बस जी वीडियो का करते हैं, आप रहें हमारे साथ साथ, तो प्लीज़ जी मेरे जो प्यारे से देखने वाले व्यूवर्स हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप नहीं किया करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें ताकि हम लोग भी कामयाबी का कदम कोई चूम लें, वरना आपको तो पता है हमारे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। बहरहाल जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना उन सब के लिए मेरी ढेर सारी दुआएँ और प्यार, फिर भी मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो लोग हमें देखते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।